नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी सरकार का फैसला आया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद, तो इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप एक ऑफलाइन टीचर हैं और अगर आप 6 से लेकर 12 तक के क्लास की कोचिंग करा रहे हैं तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इससे आगे के भी टीचर हैं और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना और ऑनलाइन में कैसे सारी चीज़ों को करेंगे तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे और आप ये चीज़ों को सक्षम रूप से कर पाएंगे। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप ऑफलाइन के टीचर हैं तो आपको ऑनलाइन में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि ये जो सरकार का नियम आया है ये आपको ज़्यादा दिक्कत ना प्रदान करे, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले जो न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो न्यूज़ ये है कि ये कल ही से न्यूज़ स्प्रेड हो रहा है और सरकार का ये फैसला भी है कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन पे मतलब जो है ना उनका जो कोचिंग है वो बंद कर दिया जाए किसी तरीके से, ठीक है। तो अब इस केस में होगा क्या कि जो भी अगर आप 6 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपके बच्चे बेसिकली कोचिंग पे डिपेंड होंगे और आप भी कहीं ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग ही करा रहे होंगे, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस कुछ भी नहीं है। तो आपको इस नियम को अगर बाईपास करने के लिए बोल सकें या इस नियम के अनुरूप आपको चलने के लिए आपको सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो हमारे हिसाब से ये करना चाहिए कि आपको सबसे पहले ना अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेना चाहिए, ठीक है। आप जाकर के आज ही ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको जाकर के YouTube चैनल अपना क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप YouTube चैनल क्रिएट करेंगे, ठीक है, उस पर कुछ भी आपको करना नहीं है। आप ये नहीं सोचिए कि आपके पास माइक नहीं है, आपके पास में कैमरा नहीं है, आपके पास में लाइट नहीं है, ये सारी चीज़ें बहाने अभी नहीं बनाइए। आपको सिंपली क्या करना है, कुछ शॉर्ट वीडियो, जैसे मोबाइल है, मोबाइल के सामने से अगर आप ऐसे फ्रंट कैमरा से जो भी आपको वीडियो लगता है रिकॉर्ड करना है या कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना है या कुछ भी चीज़ है जो आप बता सकते हैं, जो आप सूचना के रूप में दे सकते हैं, वो चीज़ें रिकॉर्ड करिए। 60 सेकंड का शॉर्ट 2-4 वीडियो आप रिकॉर्ड करिए, ठीक है। और लॉन्ग वीडियो भी, कुछ पढ़ाने वाला कुछ वीडियो अगर आपके पास में होगा तो अच्छी बात है, नहीं है किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दीजिए, उससे बोलिए कि मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसको रिकॉर्ड कर ले। कम से कम आप वो 2-4 वीडियो यूट्यूब पे जो आप यूट्यूब चैनल बनाए हैं उस पर आप अपलोड करके छोड़ दीजिए। आपका कोचिंग का नाम मे भी हो सकता है कि आर्ट्स क्लासेज हो, आपके कोचिंग का नाम मान लीजिए ARP क्लासेज हो, जो भी क्लासेज का नाम है आप उसी क्लासेज के नाम से यूट्यूब चैनल बना लीजिए। कुछ शॉर्ट वीडियो बना करके YouTube चैनल जो आपने अभी बनाया है उस पर अपलोड कर लीजिए, साथ ही साथ 1-2 लॉन्ग वीडियो बना लीजिए। अगर लॉन्ग वीडियो बनाने में भी समस्या अगर आपकी आ रही है तो आपको सिंपली लाइव वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको ये सारी चीज़ें लाइव कर लेना है, ठीक है। और हाँ, ये चीज़ें अगर आपको लगता है कि कैसे लाइव करेंगे क्या करेंगे उसके बारे में मैंने वीडियो बना करके रखा, आप सिंपली लाइव क्लासेज या कुछ वीडियो या कुछ शॉर्ट वीडियो आप डाल करके अपने यूट्यूब चैनल पर रख लीजिए। फायदा इससे ये होगा कि 2-4 वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर रहेगा, आपके चैनल सर्च में आएगा, आपके जो ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपको फर्दर जो भी अपडेट अगर आप करेंगे वो सारी चीज़ें बच्चों को पता चलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे जो आपको करना है, जो आपने वहाँ पर शॉर्ट वीडियो बनाया है, ठीक है, जो आपने लॉन्ग वीडियो बनाया है, जो पढ़ाने वाला वीडियो आपने बनाया है, सेम काम आपको करना है। आपको फेसबुक पे जाना है और फेसबुक पेज बना लेना है, ठीक है। अब फेसबुक पेज की क्यों जरूरत पड़ी, मैंने सबसे पहले यूट्यूब बोला उसके बाद फेसबुक बोला। देखिए क्या है कि जैसे ना अगर आप ऑफलाइन टीचर हैं, ठीक है, और आप यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है तो ज़्यादातर बच्चे आपके फेसबुक के कहीं ना कहीं फ्रेंड लिस्ट में होंगे या पेज पे होंगे, तो आपको सिंपली या तो पेज क्रिएट कर लेना है या तो आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है जिसपे आप अपने बच्चों को जोड़ करके रखते हैं, कम्युनिकेशन का माध्यम भी तो यही है फेसबुक और व्हाट्सएप अगर आप यूट्यूब पर नहीं है तो आपको फेसबुक पर भी जाकर के पेज बना लेना है और वहीं सेम वीडियो जो आपने रिकॉर्ड करके रखा है 2-4 शॉर्ट वीडियो वो सारे शॉर्ट वीडियो आपको उस फेसबुक पेज पर भी डाल देना है या अपने प्रोफाइल पर भी डाल देना, साथ में अगर कोई पढ़ाने वाला वीडियो उसको भी आप डाल दीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन देना उसके बारे बात कर लीजिए। पेज में ध्यान दीजिएगा कि पेज बनाते वक्त में आप अपने कोचिंग का नाम से ही पेज बनाइएगा, क्योंकि आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है उस पर भी डाल रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं अगर आप इंडिविजुअल कोचिंग चला रहे हैं तो, लेकिन अगर आप टीम के साथ में कोचिंग चला रहे हैं, कोचिंग का कोई नाम है, तो कोशिश ये करिएगा कि आपका जो पेज का नाम है वो आपके कोचिंग के नाम से हो, ठीक है। वहां पर भी आप वीडियो बना करके डाल सकते हैं। अब उसके बाद में अगर नीचे आएंगे तो अगर अगले स्टेप पर चलते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी एक अपने एप्लीकेशन की। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, जैसे कि आपके अगर ऑफलाइन कहीं कोचिंग है, अगर आप ऐसे ही पढ़ा रहे होते कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे या कहीं भी आम के पेड़ के नीचे, तो क्या बच्चे आपको पैसा देते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या है ना कि आते जाते और रुकते कहाँ पे, कभी बारिश हो जाती तो कहाँ पे रुकते हैं। तो रही बात यूट्यूब की, फेसबुक की, ये क्या है, ये बच्चों को इंगेज करने का तरीका है, ये बच्चों को आप यहाँ पे इंगेज करके रख सकते हैं, लेकिन बच्चा पेमेंट कहाँ पे करेगा? यूट्यूब में तो कोई ऐसा फैसिलिटी होता नहीं कि जो बच्चे आपको पे कर पाए, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा एक एप्लीकेशन का, क्योंकि आपको पढ़ाने के अलावा साथ साथ बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। जैसा कि आपको पढ़ाने के अलावा उसका PDF भी देना होता है, आपको टेस्ट भी लेना होता है, ये सारी चीज़ आपको करनी होती है, और ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक एप्लीकेशन का। आप एप्लीकेशन मार्केट में बहुत सारे बथेरे एप्लीकेशन है, आप पता कर सकते हैं। अगर आप हमसे एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, 7277804691 हमारा नंबर है, आपको पूरा एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में हम लोग जानकारी देंगे। और आपको एप्लीकेशन जरूरी है, एप्लीकेशन जो क्यों जरूरी है ये मैं बता दे रहा हूँ,
देखिए, जैसे आप YouTube पे कोई वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, दो चार दस वीडियो आपने डाला, ये पूरा कंटेंट आप फ्री में डाल नहीं सकते, क्योंकि आपकी जीविका उसी चीज़ पे डिपेंड करती है, और जिस चीज़ पे जीविका डिपेंड करती है उसको सारा चीज़ आप फ्री में डाल भी नहीं सकते। अगर आपने फ्री में सारी चीज़ें डाल भी दिया, फिर भी समस्या ये आएगा कि आप वहाँ का PDF कहाँ पे डालेंगे, उसका टेस्ट कैसे लेंगे। तो ये सारी चीज़ें चार पाँच प्लेटफॉर्म को मर्ज करना पड़ेगा। हो सकता है आप PDF व्हाट्सएप पे दे दें, हो सकता है आप टेस्ट टेलीग्राम पे जाकर के ले लें, बट बच्चों को कहना कि कभी व्हाट्सएप पे, कभी टेलीग्राम पे, कभी फेसबुक पे जाकर वीडियो या यूट्यूब पे जाकर वीडियो को देखना होगा। ये सारी चीज़ों को आप एक जगह पे असेंबल कर सकते हैं। जैसे कि अगर एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे लाइव क्लास का ऑप्शन है, आप यहाँ पे लाइव क्लास ले सकते हैं। यहाँ पे कोई बुक वगैरह जो आप स्टडी मटेरियल वगैरह आप सबमिट करते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ऑल कोर्सेज, जितना भी कोर्स आपका रहेगा वो सारे कोर्सेज आप यहाँ पे रख सकते हैं। जो भी बच्चा आपका कोर्स अगर बाई की ओर है तो उसको माई कोर्स में दिख जाएगा। जो भी आपका टॉप सेलिंग कोर्स है वो आपको दिख जाएगा। टेस्ट वगैरह आपको लेना है आप यहीं पे ले सकते हैं। कोई भी अगर नया कोर्स है तो आपको यहाँ पे बैनर वगैरह है, आप यहाँ पे स्लाइड करते जाएंगे आप यहाँ पे कोर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। वीडियो जो फ्री में वीडियो आप डालेंगे वो आ जाएगा। ई बुक अगर कोई फ्री में डाला आपने आ जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी रूप का डाउट है आप यहाँ से डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोई भी अगर आप कोर्स में ऑफर वगैरह दे रहे हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए अगर आपके पास में कोई बुक है, कोई किताब है और किताब पे QR कोड है जिससे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए, जिससे कोई PDF डाउनलोड हो जाए, जिससे कोई कोर्स अवेलेबल हो जाए, तो यहाँ पे स्कैन का भी ऑप्शन है, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन में ऐसे बहुत सारे फीचर है जो हम लोगों ने खास करके ऑफलाइन वाले टीचरों को ध्यान में रख करके बनाया है, जैसे कि हमारा OMR फीचर, उसके बारे में हम कभी अगले वीडियो में बात करेंगे। ये OMR फीचर उन सारे टीचरों के लिए बेहद जरूरी है जो आज तक टेस्ट करा रहे हैं OMR की मदद से, ठीक है। ये फीचर से, सिर्फ एक ये फीचर से आपका 15 से 20 हज़ार रुपये पर ईयर का बचने वाला है, ठीक है, उसके बारे में कभी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये सारे फीचर आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। अब क्या होगा कि जो भी आप एप्लीकेशन पे कोर्स लिस्ट करेंगे, चाहे जो भी प्राइस हो, बच्चा यहाँ पे क्लिक करके या यहाँ पे बाई करके आप वो कोर्स पढ़ पाएगा। जैसे ही बच्चा बाई किया आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक उसके माई कोर्स वाले सेक्शन, एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक उसके माई कोर्स वाले सेक्शन में वो चीज़ें चली जाएगी। उसका एक साइड में मान लीजिए इस तरीके से, एक साइड में वीडियो, बीच में PDF और इधर टेस्ट, इस तरीके से तीन सेक्शन बने होंगे। वो बच्चा आपको सिस्टमेटिक ढंग से डालेंगे, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आपको क्लासरूम वाली फील आएगी। और क्लासरूम वाली अगर फील चाहिए तो आपको एप्लीकेशन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या देते हैं आपका, हम लोग अपना एप्लीकेशन बना करके देते हैं। आपको अगर अपने प्ले कंसोल पे चाहिए वो भी हम लोग देते हैं। अगर यही नहीं, अगर आपको अपना पेमेंट गेटवे चाहिए वो भी हम लोग देते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं इस तरीके का नहीं, किसी और तरीके का एप्लीकेशन चाहिए, आपको चाहिए होम पेज यहाँ पे नहीं, ऐसे या कुछ भी डिजाइनिंग कराना है, तो हम लोग कस्टमाइजेशन देते हैं। अब आते हैं अगले बात पे, जो है एंड्रॉयड नेटिव एप्लीकेशन। अब उसमें क्या हम लोग करते हैं कि जैसे बहुत सारे आप एप्लीकेशन देखे होंगे जो एक तरीके से बोल सकते हैं वेबसाइट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट करके उसको बोलते हैं वेब व्यू एप्लीकेशन। हम लोग एंड्रॉयड नेटिव एप्लीकेशन देते हैं जिसमें हमारे कोर्सेज लीक होने के चांसेस न के बराबर होते हैं, क्या होते ही नहीं एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग DRM सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला फीचर के साथ में, क्योंकि अगर कभी बाई चांस कोई बच्चा अगर डाउनलोड भी कर ले तो उसका वीडियो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो, ठीक है, वो डिक्रिप्ट नहीं हो पाए, यानी वो वीडियो को देख नहीं पाए, आपका कोर्स लीक नहीं होने वाला है। तो अगर आप एप्लीकेशन पे, अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स लॉन्च करते हैं या हमारे द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन पे कोर्स लॉन्च करते हैं तो आपका कोर्स 100% सिक्योर रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ लेस डाटा कंजम्पशन होगा हमारे एप्लीकेशन पे, 100 से 200 MB यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन 100 से 120 MB मैक्सिमम है एक घंटे में। अगर आप एक घंटे का कोई लेक्चर ले रहे हैं तो 100 से 120 MB मैक्सिमम होगा। अब ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगी। मान लीजिए आपका गांव देहात में कोचिंग है आपका, तो बहुत सारे बच्चों को इंटरनेट का स्पीड जो है ना वो बहुत ही कम मिल पाता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए 1.5 GB बच्चे को इंटरनेट मिला तो 1.5 GB पढ़ने में नहीं व्यस्त कर देगा, वो बहुत सारा आधा डाटा तो अपना सोशल मीडिया यूज़ करने में लगाएगा। मान लीजिए अगर 1.5 GB इंटरनेट मिला तो 750 MB वो सोशल मीडिया यूज़ करने में लगाएगा और 750 MB जो है वो पढ़ाई करने में लगाएगा। तो चूंकि हमारा जो एवरेज अगर बात करें, एवरेज ड्यूरेशन बात करें, 120 MB लगेगा एक घंटे के लेक्चर में, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे लगभग 6.5-7 घंटे का वो ऑनलाइन क्लास कर पाएगा, ठीक है। अगर टेस्ट वगैरह की बात करें तो बथेरो टेस्ट दे सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाली जरूर, मतलब दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा लेस डाटा कंजम्पशन होगा। उसके बाद में आपको जो मिलेगा वो फुली डाटाबेस का कंट्रोल मिलेगा। जैसे कि आप लोग ऑफलाइन कोचिंग में अगर आप लोग हैं, आप लोग ऑफलाइन बिजनेस में हैं, तो आपको पता होगा आपके कोचिंग का डाटा कितना सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके कोचिंग का डाटा किसी और कोचिंग के पास में चला गया तो वो क्या करेगा, आपके बच्चों को कॉल कर लेगा, आपके बच्चों को अपने पास में बुला लेगा। ये सारी चीज़ों का एक्सेसिबिलिटी जो है हम आपके पास में देते हैं, क्योंकि आप ही उसके पूरे के मालिक हैं और आप जैसा चाहें उस तरीके से आप अपने डाटाबेस को यूज़ करिए। तो आपको जो फुली कंट्रोल है आपके डाटाबेस का, वो सारी चीज़ें मिलते हैं। आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस की सुविधा मिलती है, ठीक है, यानी आप जितना घंटे का चाहें उतने घंटे का आप लाइव क्लास ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ 2 घंटे ले सकते हैं, 4 घंटे ले सकते हैं, इस टाइम से इस टाइम पर ही लाइव क्लास ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जब चाहें 24/7 आप जब चाहें तब आप लाइव क्लास ले सकते हैं। साथ ही साथ आप जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उसको आप
खुद से असाइन भी कर सकते हैं, खुद से उस बच्चे को कोर्स असाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें सुविधाओं के साथ में हम लोग एप्लीकेशन देते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपके मन में है कोई, अगर आपके नज़र में है जो आपको एप्लीकेशन बना करके दे रहा है, तो आपको क्या करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप कहीं और से एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, ठीक है, हम लोग तो आपको अपना एप्लीकेशन बना करके देंगे ही देंगे, जिसमें आप लाइव क्लास, वीडियो क्लास, पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें करा सकते हैं। नंबर भी हमारा दिया गया है। लेकिन अगर आप, मान लीजिए आप कहीं और से एप्लीकेशन बनाने का मन बना रहे हैं, तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि क्या एप्लीकेशन में कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब आप लोग अभी ऑफलाइन वाले टीचर हैं, और अगर आप ऑनलाइन करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें छुपा ली जाती है आपसे, ठीक है। क्योंकि ऐसा है, मान लीजिए ना, मैं आपको बोलूं कि सर ये पेन है, आपको मैं 10 रुपये में दे दूंगा। आपने बोला कि अच्छा 10 रुपये में कलम मिल जाएगा, इतना बढ़िया। बोले हाँ हाँ 10 रुपये मिल जाएगा। मैंने आपको ये मान लीजिए कलम दे दिया, आप बोले कि अरे ये तो लिखने में ही नहीं बन रहा है, ये लिखा ही नहीं रहा है इससे। तो मैंने बोला जी सर, इसका जो रिफिल है ना, इसका जो रिफिल आता है वो 50 रुपये का आता है। अब आप बताइए कि ये कलम कितने का पड़ गया? ये कलम आपको पड़ गया 60 रुपये का। लेकिन एक अदर साइड में बात करें, अगर कोई आपको ये कलम ना डायरेक्ट बोलेगा कि सर हम 25 रुपये में बेचेंगे, तो आप उसको पता है क्या बोलेगा? बोलेगा अरे वो तो 10 रुपये में दे रहा है, तुम 25 रुपये में क्यों दे रहे हो? तो ये चीज़ें बात डिपेंड करती है हिडन चार्जेस पे, कि हिडन चार्जेस क्या क्या है। तो सबसे पहले ना आप एप्लीकेशन में देख लीजिएगा कोई भी हिडन चार्जेस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ बोला जा रहा है कि हाँ सर आप इतने 1000 रुपये दे दीजिए, हम आपका एप्लीकेशन दे देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी चार्ज देना होगा, साथ ही साथ आपको ये भी चार्ज देना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए, पहली चीज़। दूसरा, अगर आप लाइव क्लास लेते हैं तो क्या उसका कोई चार्ज आपको तो नहीं ना देना पड़ता है? ये बहुत सारे एप्लीकेशन में, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे एप्लीकेशन में ऐसा है कि एप्लीकेशन वो बना देते हैं, कुछ क्वाइन दे देते हैं क्रेडिट के रूप में, कि आप मान लीजिए 4000 घंटे का लाइव क्लास आप फ्री में ले सकते हैं। अब टीचर को ये लगता है कि 4000 घंटे लाइव क्लास है, मेरा तो क्लासेज 300 घंटे का ही होता है। अब 300 घंटे का क्लास होगा तो मेरा पूरा का पूरा बच जाएगा, यानी मैं 10 साल भी यूज़ करूँगा फिर भी खत्म होने वाला है नहीं। लेकिन डिपेंड करता है, 400 घंटे अगर मिले, 4000 अगर घंटे भी मिले ना, तो देखिए डिपेंड क्या करता है। अगर एक बच्चा एक क्लास देख रहा है तो यानी एक घंटा खत्म हो गया। अगर आपके पास में 400 बच्चे हैं तो 4000 घंटे 10 क्लास भी नहीं चलेगा, और 10 क्लास के बाद में आपसे बोला जाएगा कि आपको पर आवर का 1 रुपया देना है। अब आप सोचिएगा फिर 300 घंटे तो 300 रुपये नहीं। अगर आपके बैच में 400 बच्चे हैं और 400 बच्चों को आप चाहते हैं 1 घंटा लाइव क्लास लेना, यानी आपको 400 रुपये देना पड़ेगा। तो आपको जो सेकेंड नंबर का चार्ज है, इससे भी बचना है। लाइव क्लासेज का चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको शुरू में ही क्लियर कर लेना है कि लाइव क्लासेज का कोई चार्जेस तो नहीं लगेगा। उसके बाद में आप ये भी पता कर लीजिए अपने डेवलपर से, अपने टीम से, कि आपको कोई OTP वगैरह का चार्ज तो नहीं लगेगा। कहीं पता चला कि हमने पैसा दे दिया, एप्लीकेशन बना दिया, मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, परसेंटेज भी दे रहे हैं जो भी कोर्स हो रहा है, साथ ही साथ OTP का भी रिचार्ज खुद ही करा रहे हैं, लाइव क्लासेज का रिचार्ज भी खुद ही करा रहे हैं, और हिडन चार्जेस जो है वो है ही, ठीक है। अब उसके बाद में आप उनसे ये भी पता कर लीजिए कि अगर हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो आप हमसे कुछ ना कुछ परसेंटेज चार्ज करेंगे, जो कि हर लोग चार्ज करते हैं। तो अगर आप परसेंटेज चार्ज करें तो क्या उसका रिन्यूअल कॉस्ट भी लेंगे? हम बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन वाले को जानते हैं जो परसेंटेज भी चार्ज करते हैं, रिन्यूअल कॉस्ट भी लेते हैं, OTP का चार्ज भी लेते हैं, लाइव क्लासेस का चार्ज भी लेते हैं, और जो हिडन कॉस्ट है गूगल पॉलिसी और बाकी सारी चीज़ों के नाम पे, वो तो लेते ही लेते हैं। तो आप ये चारों चीज़ों के बारे में पता कर लीजिए, और अगर आपको किसी भी चीज़ों पे डाउट हो तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं 7277804691 पे। हम आपको जो भी एप्लीकेशन देंगे उसमें ये जितना भी मैंने चीज़ें बताई वो कोई भी चीज़ें नहीं है, बस आपसे एक मिनिमम सा कॉस्ट लिया जाएगा जो आपके एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए होगा, और आपका एप्लीकेशन लाइफ टाइम फ्री होगा, ठीक है। और ये चीज़ें मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमने कौन कौन सा एप्लीकेशन बनाया इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो चल रहे हैं मार्केट में और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं ऑनलाइन में एक सिक्योर ऐप, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7277804691। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जो करना है वो YouTube चैनल बना लेना है, आपको कुछ वीडियो उस पर डाल लेना है, Facebook पेज बना लेना है, उसके बाद में आपको एप्लीकेशन भी बना लेना है, क्योंकि आप ऑफलाइन के टीचर हैं और जो बच्चे आपको पैसे दिए हैं, अगर आप उस चीज़ों को फ्री में देंगे ना, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं बाइकआउट करेंगे उस चीज़ों का कि हमने तो पैसा दिया वो फ्री में ही पढ़ रहा है। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हम आपके लिए हाजिर हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो भी आपके पास में मुसीबतें आ रही हैं वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।